फरिसाइयों, अगर तुम्हारे खिलाफ कोई बोल दे तो क्या वो क्या क्रांतिकारी हो जाता है, वो क्या गुंडा हो जाता है? तुम उसे क्या करोगे? जेल भेज दोगे। आज जेल भेजोगे। उसी अभिषेक गिरिधि ने कहा है फिर से कि तुम मुझे 1000 बार जेल भेजोगे, मैं 1000 बार जाऊंगा लेकिन अपने आवाज को दबने नहीं दूंगा। ये अभिषेक द्विवेदी की नहीं, ये पूरे छात्रों की उस तरफ से पुकार। मैं जो पहले भी कहता था कि अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन वाले, चलिए ठीक है, इन्होंने मुझे कैंपस बैन कर दिया, मैं फिर प्रदर्शन वगैरह करूंगा तो मेरी जमानत। विश्वविद्यालय प्रशासन आज कुछ ऐसे इनके ऊपर फैसला ले चुकी है जो कहें किसी भी अगर आम छात्र पर अगर ले लिया जाता तो शायद आज वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पाता। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसे क्रांतिवीर, एक ऐसे हमारे पास एक मजबूत धागे के रूप में कहें या उनकी अतुलनीय बात कहें, एक अतुलनीय व्यक्ति कहें, वो आज हमारे साथ खड़े हैं। आज हमारे बड़े भाई, एक क्रांतिकारी नेता हमारे साथ आज अभिषेक द्विवेदी बड़े भाई हमारे यहाँ पे खड़े हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन आज कुछ ऐसे इनके ऊपर फैसला ले चुकी है जो कहें किसी भी अगर आम छात्र पर अगर ले लिया जाता तो शायद आज वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पाता। हम इनके लिए और अभी भी इनके वह साहस है, इनके अंदर वह साहस है कि अभी भी ये वहाँ पर खड़े हैं, इसके लिए मैं इनका काफ़ी ज़्यादा अपने पूरे छात्रों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई कुछ आप सभी को जरूर कहें। आप सभी को नमस्कार। पहली बात, होली का रंग जो है, त्यौहार का रंग जो है चढ़ चुका है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा लगातार होली का रंग जो है खेला जा रहा है। आशुओं में भी होली खेली जा रही है, डी बी सी के बच्चे भी होली का त्यौहार मना रहे हैं अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको घर भी जाना है, घर परिवार से भी मिलना है। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी लगा हुआ हूँ, अपने छात्र संघ भवन भी आया था, बच्चों ने काफ़ी बच्चे आए, मुलाकात की, होली का रंग में मुझे भी रंग दिया। काफ़ी खुशी मिलती है कि जब इलाहाबाद में मैं आया था तो मेरे साथ एक भी व्यक्ति नहीं था और आज स्थिति है कि मेरे साथ छात्रों का उसमें एक परिवार के साथ खड़ा है। मैं बात कहूँगा, मैं जो पहले भी कहता था कि अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन वाले, चलिए ठीक है, इन्होंने मुझे कैंपस बैन कर दिया, मैं फिर प्रदर्शन वगैरह करूँगा तो मेरी जमानत रद्द हो जाएगी और मुझे जेल 3-4 महीना भेज देंगे, वो अलग बात हो गई। ठीक है, आप एक अभिषेक द्विवेदी को रोकेंगे, वहाँ सैकड़ों अभिषेक द्विवेदी आ जाएंगे। बिल्कुल, हम हमेशा कहते हैं हम हिंसा नहीं करने वाले, लेकिन ना हम प्रदर्शन करने वाले, हम अहिंसात्मक लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं। आपको समझना होगा, आपसे संवाद करना होगा और आपको निर्णय लेना होगा, आपको छात्रों के दुख दर्द को समझना होगा। अगर 3 से 5 हज़ार के छात्र जो हैं लगभग आपके कैंपस में टहलते हैं, राउंडअप करते हैं, घूमते हैं, अपनी मांगों को लेकर चिल्लाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, तो कहीं ना कहीं गलत हैं आप। अगर 22,000 बच्चे ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं, बहुमत है उनका, तो आपको उससे विचार करना होगा, सोचना होगा। साथियों, अभी आपने हमारे बड़े भाई, एक क्रांतिकारी नेता अभिषेक द्विवेदी को आप लोगों ने सुना है। ये वही अभिषेक द्विवेदी हैं जो आप सभी के लिए अपने, वो भी एक माँ के बेटे ही हैं जो कि आप सभी के लिए जेल में जाकर चले जाते हैं, लेकिन शर्म करो आप सभी कि आप उनके लिए इस समय खड़े नहीं। आज विश्वविद्यालय प्रशासन ने जानते हैं, आज हमारे मतलब रंगारंग कार्यक्रम का कहा जा सकता है, बरगद लान में लोग होली खेल रहे थे, हम भी होली खेले, हमारे साथी भी होली खेल रहे हैं, लेकिन एक कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि छात्र संघ पर इस यहाँ पर बैठ करके केवल वहाँ पर कैंपस में देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। जानते हैं कौन है? वे आप ही के लिए लड़े हुए व्यक्ति, वे आप ही के लिए संघर्ष किए हुए व्यक्ति हमारे अभिषेक द्विवेदी जी। अरे भूलो मत उस दिन को, जिस दिन के लिए जब आपको प्रमोशन की जरूरत थी, आपको प्रमोट होकर के जितना खुशी हुआ था वह खुशी भी मिला था तो उसी क्रांतिकारी नेता अभिषेक द्विवेदी जी के चलते मिला था। और आप अगर अपने बड़े भाई को ऐसे भूल जाएंगे, ऐसे उनकी बातों को और उनका अनादर और उनके लिए एक गलत धारणा बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके स्टूडेंट होने पर यह पूरी तरह से निष्कलंकित के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। साथियों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये वही अभिषेक द्विवेदी हैं जो कि हमारे लिए एकदम से आगे रहते हैं, डटे रहते हैं, एक बड़े भाई के जैसे, जैसे एक परिवार में एक मुखिया रक्षा करता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर हमारे बड़े भाई अभिषेक द्विवेदी हम छात्रों का रक्षा करते रहते हैं। और आज उसी मुखिया पर
विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक निर्णय ये लिया है कि उन्हें इस विश्वविद्यालय प्रशासन में प्रवेश करना वर्जित होगा, अर्थात उन्हें यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मैं कहता हूँ ये कहाँ तक सही है। अरे तानाशाहियों, अगर तुम्हारे खिलाफ कोई बोल दे तो क्या वो क्या क्रांतिकारी हो जाता है, वो क्या गुंडा हो जाता है? तुम उसे क्या करोगे, जेल भेज दोगे? आज जेल भेजोगे। उसी अभिषेक द्विवेदी ने कहा है फिर से कि तुम मुझे 1000 बार जेल भेजोगे, मैं 1000 बार जाऊंगा लेकिन अपने आवाज को दबने नहीं दूंगा। ये अभिषेक द्विवेदी की नहीं, ये पूरे छात्रों की ओर तरफ से पुकार। हमारे साथ फिर से मैं यहाँ पर खड़े हुए हमारे जो अभिषेक द्विवेदी हमारे बड़े भाई थे, मैं उनका फिर से अभिनंदन वंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय हमें दिया और उनका पहला बयानबाजी आज फिर से उनके रिहाई होने के बाद वो यहाँ पर आए, तो इनका मैं काफ़ी दिल से आभार करता हूँ कि वे अभी हमारे कुछ देर पहले हमारे बीच में थे। तो चलिए इसी के साथ साथ धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप सभी क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी को मैं ये दावा करता हूँ कि आगे की जो अपडेट होगी मैं तो पहले देता ही हूँ, और साथ में अगर जो भी क्रांति की बिगुल बजेगी वैसे मे आई हेल्प यूनियन के सदस्य और इसी मे आई हेल्प उसे ही बिगुल बजेगी। तो चलिए इसी के साथ साथ धन्यवाद।